हेलो एवरीवन, मैं भारत भूषण आज आपके सामने मानव स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर से संबंधित कुछ बची हुई बीमारियों का चर्चा करने जा रहा हूं। और इसमें महत्वपूर्ण बीमारियों में से है इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड और एंथ्रेक्स। इस तीनों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। यह बीमारी किससे होती है, इसका कारक क्या है और इसे हम लोग कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, इन सारे बिंदुओं को हम ध्यान में रख करके सुनेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबाएंगे और लगातार वीडियो आप तक पहुंचे, सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने से आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, इससे कोई हानि आपको नहीं होने वाली है। तो इन्फ्लुएंजा जो है वह वायरस से होने वाला एक बीमारी है ना। संसार के सभी देशों में इस बीमारी का प्रकोप पाया जाता है। इसे सामान्यतः फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। यह किससे फैलता है, तो यह खास एजेंट मिक्सो वायरस के विभिन्न स्ट्रेन, मिक्सो वायरस वायरस की एक प्रजाति है और स्ट्रेन जो हो गया मिक्सो वायरस की भी उप प्रजातियां होती है, उसके द्वारा यह बीमारी फैलता है। किसी पर्सन को यह अगर बीमारी है तो छींक के द्वारा इस बीमारी को वह दूसरे आदमी तक फैला सकता है। खासतौर से इसका ए और सी स्ट्रेन जो है छींकने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचता है आसानी से। यह वायरस हमारे शरीर में पहुंचता है और फेफड़े में जाकर के तेजी से वृद्धि करता है। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर पहुंचने के 1 से 4 दिन के अंदर वह संक्रमित हो जाता है बीमारी से और 3 दिन 4 दिन तक लगातार इसके लक्षणों को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। इस बीमारी के इन्फ्लुएंजा जिसे कहते हैं, फ्लू जिसे कहते हैं, इस बीमारी के लक्षण क्या है, तो सामान्यतः इसमें बुखार जो है 101 से 104 डिग्री फारेनहाइट तक रहता है, छींक आती है, शरीर में कंपन होता है ना, सिर दर्द रहता है, कमजोरी रहती है, नाक से भारी मात्रा में पानी का स्राव होता है ना, पूरे शरीर में दर्द रहता है। आज इसी का बढ़ता स्वरूप हमारे सामने कोरोना वायरस जो है, इसी का एक स्ट्रेन है ना, और वही आज इतना उत्पात मचा रहा है हमारे सभी विश्व के सभी भागों में। अब इन्फ्लुएंजा के नियंत्रण की बात करें तो इसका कोई भी दवा हमारे पास उपलब्ध नहीं है, फिर भी दर्द को नियंत्रित करने के लिए एस्प्रिन का प्रयोग कर सकते हैं। ज्यादातर आराम करेंगे, सोएंगे, कंप्लीट रेस्ट लेंगे तो हमें थोड़ा आराम मिलेगा इस बीमारी में। रोकथाम क्या करना है, तो जिन्हें ठंड से एलर्जी है वो ठंड से बचाव रखेंगे, बच्चों को ठंड से बचाएंगे, रोगी को आइसोलेट कर देना है, अलग कर देना है, जिससे कि वो संक्रमण को ज्यादा न फैलाए, है ना। अब टीके की बात है तो इसका टीका उपलब्ध नहीं है हमारे पास, इसलिए नहीं है क्योंकि इस वायरस का स्ट्रेन जो है वो लगातार म्यूटेट कर जाता है, उत्परिवर्तित कर जाता है, जिस वजह से अगर हम लोगों ने आज इसका टीका बना लिया तो अगले 2 साल के बाद फिर यह परिवर्तित हो जाएगा और हमें फिर से नए टीके की जरूरत पड़ेगी। इस वजह से इसका टीका थोड़ा मुश्किल है ना, लगातार म्यूटेशन के वजह से यह शीघ्र ही बदल जाता है। ठीक है, यानी कि अगर टीका बना भी लेते हैं वो हमारा नियम लागू होगा कोरोना वायरस के साथ भी, तो 1 से 2 वर्ष के बाद उसे पुनः बदलना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो ये इन्फ्लुएंजा हमारा था। उसके बाद है सामान्य जुकाम, कॉमन कोल्ड को हम लोग देखेंगे, यह भी वायरस से होने वाला है और राइनो वायरस ग्रुप से यह बीमारी फैलता है। 1 से ज्यादा तरह के संक्रामक रोग मनुष्य में देखने को मिलते हैं इसके वजह से। इसे सामान्यतः कॉमन कोल्ड, सामान्य जुकाम कहा जाता है ना, और यह नाक और श्वसन पथ को संक्रमित करता है ना, हमारे नाइजल चैम्बर और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को यह इन्फेक्ट कर देता है। इसके सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है, तो कंठ दाह रहेगा, फटी आवाज, सोर थ्रोट है ना, खांसी, कफ, सिर दर्द, थकावट, और यह सिम्टम 3 से 7 दिन तक हमारे अंदर अपीयर होगा और बिना किसी इलाज के ही है ना धीरे धीरे यह समाप्त हो जाता है। हमें करना क्या है बचने के लिए, संक्रमित व्यक्ति जो है उसके वस्तुओं का, पेन, पेंसिल, कॉम्ब, ये सब का प्रयोग करने से बचना है। उसके बाद अगली बीमारी जो है वह एंथ्रेक्स है ना, एंथ्रेक्स जीवाणु से होने वाली बीमारी है और यह बैसिलस एंथ्रेक्सिस नामक जीवाणु से फैलता है। खासतौर से यह पालतू पशु, कुत्ता, गाय, भैंस, बकरी आदि में उत्पन्न होता है और उसके साथ रहने वाले मनुष्य में यह आसानी से पहुंच जाता है
और फिर यह बीमारी फैलती है। संक्रमण का हिसाब देखें तो त्वचा के द्वारा संक्रमण जो है 20% होता है, और सांस के द्वारा संक्रमण जब होता है तो सर्दी हो जाती है, सांस लेने में कठिनाई होती है, आहार नाल के द्वारा अगर संक्रमण होगा तो उल्टी, दर्द है ना, भूख में कमी आ गई आ जाएगी, और आंत से खून की उल्टी होना शुरू हो जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन जो है ये 25-60% देखने को मिलता है। रोकथाम में इसका टीका उपलब्ध है, 93% सुरक्षा अवेलेबल है ना, और ये कोई खतरनाक बीमारी ज्यादा नहीं है, हम समय रहते इससे बचाव कर सकते हैं। एंटीबायोटिक का प्रयोग इसमें होता है क्योंकि एंटीबायोटिक का असर हमारे जीवाणुओं पर आसानी से होता है, विषाणु पर नहीं होता है ना, इसलिए विषाणु वाले बीमारी में एंटीबायोटिक का प्रयोग नहीं करना है, जीवाणु वाले बीमारियों में एंटीबायोटिक का प्रयोग होता है, और इसके प्रयोग के द्वारा हम एंथ्रेक्स की बीमारी को खत्म कर सकते हैं, अपने आप को उससे सुरक्षित रख सकते हैं। धन्यवाद। चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें।